नमस्कार, न्यूज़वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। यूपी के पीलीभीत जनपद में एफसीआई का चावल ट्रकों से ओवरलोड करके ढोया जा रहा है। और आपको बता दें कि एफसीआई का चावल राइस मिलों से ललोरी खेड़ा में मौजूद गोदाम पर भेजा जा रहा है। और बताया जा रहा है कि 10 टायर ट्रक की क्षमता 18 टन है, उसमें 29 टन भेजा जा रहा है। और ऐसे में जो ट्रांसपोर्टर जो अंडरलोड ला रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है। दरअसल जिन ट्रकों में ओवरलोड चावल लाया जा रहा है गोदाम पर, उनमें 700 प्रति ट्रक उतरवाई जा रही है और इसके साथ ही 200 कांटा तुलाई भी रिश्वत ली जा रही है। और आपको बताते चलें कि ट्रक अंडर लोड आ रहे हैं, उन्हें दो दो दिन गोदाम पर खड़ा होना पड़ता है और ट्रांसपोर्टर इस बात को लेकर लगातार लोरीखेड़ा गोदाम पर हंगामा भी कर रहे हैं। ओवरलोड वाहनों से जहाँ हादसों का खतरा बना हुआ है, वहीं सड़कों को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके बावजूद परिवहन विभाग के अधिकारी और ट्रैफिक पुलिस इन पर रोक नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पर ओवरलोड अंडरलोड चल रहा है, जिनकी ओवरलोड भर के आ रही है वो रिश्वत दे रहे हैं। यहाँ पर 700 कांटे पे पैसे दे रहे हैं, उनकी फटाफट उतर रही है, जा रही है गाड़ियाँ। हम लोग अंडरलोड ला रहे हैं, हमारी खड़ी है, हम 14.5 टन ला रहे हैं। इसमें इन सबकी गाड़ी वाले जो हल्के टायर वाले हैं उनका बहुत परेशान हो रहे हैं। उनकी अंडरलोड लाएंगे, ये लोग रिश्वतें दे दे के जल्दी उतार के चले जा रहे हैं। हम लोग वहीं खड़े मुंह देख रहे हैं, हमारी गाड़ी खड़ी नहीं है। दो दो दिन में गाड़ियाँ यहाँ उतर रही हैं। जो अभी तक मेरे संज्ञान में तो दिक्कत नहीं आई है, आई है कि ओवरलोड की बात, तो मैं नोटिस लगा देता हूँ। क्योंकि भारतीय खाद्य निगम का ये चावल आ रहा है, हम कस्टोडियन हैं, सरकारी कार्य है तो बाधा नहीं पहुँचा सकते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ पीलीभीत से संवाददाता प्रांजल गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रांजल, ओवरलोडिंग का मामला सामने आया है कि चावल की ओवरलोडिंग जो है उसका आरोप लगाया जा रहा है, क्या है पूरा मामला विस्तार से बताइए। जी, आपको बताना चाहेंगे पूरा मामला। ललोरी खेड़ा स्थित एफसीआई गोदाम का है, जो की प्राइवेट कंपनी प्राइवेट गोदाम है। बाबा एफसीआई का जो है जो चावल जो है वो ढोकर लाया जा रहा है। बताया जा रहा है जो ट्रांसपोर्टर है उनका लगातार जो आरोप जो बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि ट्रांसपोर्टरों का साफ तौर से कहना है कि ओवरलोड जो ट्रक आ रहे हैं उनको जो है रिश्वत लेकर के 200 रुपए कांटा तुलवाई और 700 रुपए जो है प्रति उतरवाई ट्रक की वो लेकर के उनको फटाफट जो है उतरवा दिया जा रहा है। और जो अंडरलोड जो ट्रक आ रहे हैं उनको जो है घंटों वहां लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, दो दो दिन खड़ा होना पड़ रहा है, तब उनका माल जो है उतर पा रहा है। तो काफी दिक्कतों का उन लोगों को सामना करना पड़ा है। उनका साफ तौर से कहना है कि जो ओवरलोड आ रहा है उनको तुरंत उतरवाया जा रहा है और जो अंडरलोड है उनको जो है खड़ा किया जा रहा है। वहीं पूरे मामले में जब गोदाम प्रभारी से बात हुई तो गोदाम प्रभारी का कहना है कि इस तरीके का कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया, वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। जी प्रांजल, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम नोटिस भी लगवा देंगे, जैसा कि हमने बताया। और इसी के साथ ही जो वहाँ पर जो सड़कें हैं ये भी प्रांजल बताई जा रही हैं कि इसकी वजह से खराब हो रही हैं। हाँ, सड़कों की भी हालत जो है काफी दयनीय हो रही है। जो ओवरलोड जो ट्रक चल रहा है लगातार उनसे सड़कों की हालत बहुत खराब हो रही है। सड़कें जो है टूट जा रही है और सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। लेकिन ना तो यातायात प्रभारी इस पर नजर बनाए हुए, ना आरटीओ इस पर नजर बनाए हुए। हालांकि हमने आरटीओ से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन आरटीओ साहब का जो है फोन उठ नहीं पाया, बात नहीं हो पाई। तो इस चक्कर में जो है वहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? उनका कहना ये है कि हमारा जो अंडरलोड जो ट्रक आ रहे हैं आप पहले उनका माल उतरवाइए। उनको घंटों लाइन में खड़े होने का टाइम उनका बर्बाद हो रहा है खड़े होने से। और जो ओवरलोड आ रहा है उनको पहले उतार लिया जा रहा है, चाहे भले जो पैसे लेके उतरवाया जा रहा है कैसे उतरवाया जा रहा है, लेकिन जो ओवरलोड है उनको पहले अहमियत दी जा रही है और अंडरलोड को जो है अहमियत नहीं दी जा रही है। अंडरलोड को खड़ा होना पड़ रहा है, तो उनकी मांग यही है कि अंडरलोड और ओवरलोडिंग जो है खत्म की जाए और माल जो है फटाफट उतरवाया जाए वहाँ पे। जी प्रांजल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए।
हरदोई में दुकानदार की पिटाई का वीडियो जोर से वायरल हो रहा है और युवती द्वारा दुकानदार से अपहरता जो है उसके बाद हंगामा हुआ है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मोबाइल की दुकान पर कवर और टेम्पर लगवाने युवती पहुंची हुई थी। दुकानदार से पैसों के लेन देन पर बात बढ़ गई और बताते चले कि युवती ने दबंगई दिखाते हुए दुकानदार से अपहरता के साथ ही बातचीत हुई है। और वहीं लोगों के जोरदार हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस दुकानदार और युवती को लेकर कोतवाली शहर के आनंद सिनेमा तिराहे पहुंची। शहर कोतवाली क्षेत्र के आनंद सिनेमा तिराहे पर एक युवक की मोबाइल शॉप पर एक युवती ने अपने मोबाइल में टेम्पर और कवर डलवाने गई थी और बताया जाता है कि दुकानदार से युवती का पैसे के लेन देन को लेकर विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद युवती ने दबंगई दिखाते हुए दुकानदार से बदतमीजी करना शुरू कर दिया और जिसके बाद वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और इसी भीड़ में से कुछ लोगों ने दुकानदार को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। पूरे मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस युवती और दुकानदार को कोतवाली ले गई और अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि पूरे मामले में जाँच की जा रही है, जाँच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले के वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो आया है रेलवेगंज चौकी क्षेत्र का है और इसको संज्ञान में लिया गया है, इस पर जांच की जा रही है, जैसी शिकायत प्राप्त होगी उसके अनुसार जांच करके कार्रवाई की जाएगी। सर किसके किसके बीच लड़ाई हो रही है, क्या है सर? अब इस जांच हो रही है, अभी क्लियर नहीं है। खबर इटावा से है। बता दें कि इटावा मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोग भ्रम लेकर घूम रहे हैं कि सिफई मैनपुरी और जसवंत नगर उनका गढ़ है। अब कहीं किसी का गढ़ नहीं है, अब पूरा प्रदेश बीजेपी का गढ़ है। केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, बिजली पानी सड़क शिक्षा स्वास्थ्य सभी मुद्दों पर बेहतर कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि सपा के लोग कहते थे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं प्रचार करने नहीं जाते, अब देखो रामपुर आजमगढ़ हारने के बाद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गली गली में घूम रहे हैं और चाचा की ठोड़ी खुजरा रहे हैं और बीजेपी सरकार ने किसी सरकारी योजना में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया और सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास के मिशन पर चल रही है। तो आपको बता दें कि इटावा से खबर है जहां पर भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। बताया जा रहा है कि उनका कहना है केंद्र सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, बिजली पानी और सड़क शिक्षा जो समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, उन मुद्दों पर बेहतर कार्य किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि सपा के लोग कहते थे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं प्रचार करने नहीं जाते, अब देखो रामपुर आजमगढ़ हारने के बाद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गली गली में घूम रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसी सरकारी योजना में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास के मिशन पर चल रही है बीजेपी। यूपी के पीलीभीत जनपद की जिला जेल में बंद एक बंदी ने दूसरे बंदी की जान लेने के इरादे से गला रेतकर हत्या करने का प्रयास किया और गंभीर हालत में घायल बंदी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कोतवाली बिसलपुर क्षेत्र के ही ग्राम नवदिया सितारगंज का रंजीत 18 नवंबर से जेल में शराब के एक मामले में बंद है। आज कुछ कैदी सब्जी काट रहे थे और रंजीत वहां मौजूद था, तभी रंजीत के अन्य कैदियों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। तभी अचानक एक कैदी ने पीछे से रंजीत के गले पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे रंजीत अचेत होकर वहीं गिर गया। आनन फानन में कारागार के ही पुलिसकर्मियों ने रंजीत को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है जहां उसका इलाज चल रहा है। इस घटना से जेल प्रशासन की निगरानी की भी पोल खुलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। फिलहाल मामले में हमला करने वाले कैदी की जेल प्रशासन द्वारा जाँच की जा रही है। कंडीशन उसकी स्टेबल थी, चोट लगी थी थ्रोट साइड में, लेफ्ट साइड में, वहाँ से स्टिच किया गया, ट्रीटमेंट किया गया, उसके भर्ती है, मरीज स्टेबल है। कहाँ चोट लगी थी? गले में दर्द में। सर एक महिला आई है, सर महिला के उपचार
और इसी खबर पर हमारे साथ पीलीभीत से संवाददाता प्रांजल गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। प्रांजल गुप्ता, जिस तरह से जेल में ये लापरवाही सामने आई है कि कैदी ने दूसरे कैदी पर हमला किया, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जी, आपको बताना चाहेंगे, पूरा मामला बीसलपुर कोतवाली से जुड़ा हुआ है। बीसलपुर कोतवाली के रणजीत नाम का ये युवक है, जो कि नवदिया सितारगंज इलाके गांव का जो है निवासी है। ये 18 नवंबर से जो है शराब के मामले में जेल में बंद था। बताया जा रहा है कि जेल में जब सारे कैदी जो है सब्जी काट रहे थे या कुछ काम कर रहे थे, उस दौरान एक अन्य कैदी ने जो है इसकी गर्दन पर चाकू रखकर इसकी गर्दन का गला रेत कर हत्या करने का प्रयास किया। भाई आनंद फानंद में जो जिला जेल प्रशासन है, उसने आनंद फानंद में जिला अस्पताल में इसको भर्ती कराया घायलावस्था में, जहाँ इसकी हालत जो अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि उपचार वहां पे किया जा रहा है लगातार, लेकिन इस घटना के बाद जेल प्रशासन में जो हड़कंप जो है मच गया है। तमाम आला अधिकारी जो है जिला अस्पताल मौके पर पहुंच गए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है जेल की जो है जेल प्रशासन की पोल यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही थी। इतना बड़ा जो हादसा जो है जेल के अंदर दो कैदियों में आपस में जो घटना हुई लड़ाई झगड़ा हुआ, जो भी घटना हुआ, यह इस तरीके अंजाम दिया गया, हत्या करने का प्रयास किया गया, इससे कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जी जी प्रांजल, बिल्कुल, जिस तरह से एक कैदी दूसरे कैदी पर हमला करते हुए दिख रहे हैं और इसमें जिला प्रशासन की जो पोल है वो भी साफ तौर पर नजर आ रही है। और वहीं पर अगर विवाद देखा जाए कि किस विवाद को लेकर इन दोनों में जो इस मुद्दे को इतना बढ़ा दिया गया कि वार हमला कर दिया गया, वो भी चाकू से। जी वही, जब अधिकारियों से पूरे मामले में बात करनी थी चाहिए तो अधिकारी जो है कैमरे में कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की हीला हवाली यहाँ पर देखने को मिली। जिस तरीके घटना को जो अंजाम दिया गया जेल के अंदर, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जेल में किसी भी तरीके की एक सुई भी आप नहीं लेकर के जा सकते। वहाँ एक चाकू से जो है हमला किया गया है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है जेल प्रशासन की पोल यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल प्रांजल, अभी फिलहाल मरीज जो घायल कैदी है उसको जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जी, जिला अस्पताल में उसको आनंद फानंद में जिला अस्पताल में उसको घायल अवस्था में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार लगातार जारी है और हालत जो है गंभीर बनी हुई है। आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो कैदी है उसकी गर्दन पर जो है जो कट का निशान है, बाहर किया तो बोलने में भी उसको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी प्रांजल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। खबर गाजीपुर से है, जहां बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी आज गाजीपुर की जखनिया विधानसभा में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेदी राम के क्षेत्र में ही पीएमजीएसवाई के तहत बनने जा रही करोड़ों की सड़कों का शिलान्यास करने पहुंचे थे। समारोह पूर्वक हुए कार्यक्रम में दो सड़कों का सांसद अफजाल अंसारी ने लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से शिलान्यास किया और बताया कि जिले में उनके प्रस्ताव पर 250 किलोमीटर की सड़कों का प्रस्ताव पास हुआ है, जिसकी लागत लगभग 190 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि अब तक करोड़ों रुपये की लागत से 14 सड़कों का उद्घाटन भी उनके द्वारा गाजीपुर लोकसभा में किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मानक के अनुरूप उत्तम गुणवत्ता वाली सड़कों और विकास कार्यों के लिए मैं कटिबद्ध हूँ और इससे क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि इस सड़क का 5 साल मेंटेनेंस जो है वह रख रखाव की करदाई संस्था की जाएगी। और इसके बाद उन्होंने पूर्व गाजीपुर सांसद, केंद्रीय मंत्री रहे और वर्तमान LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा के कार्यों के बदले कार्य और इसके साथ ही उनके कार्यों की तुलना जो है उस पर खूब चुटकी भी ली है। उन्होंने कहा कि उनको हराना अफजाल अंसारी के लिए भोगना पड़ रहा है और लेकिन कोई बात नहीं, हम तो फटीचर हैं। 2024 में जनता फिर हिसाब करेगी। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विकास कार्यों, खासतौर से अच्छी सड़कों के निर्माण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और इसी कड़ी में आज दो विधानसभाओं जखनिया और सदर विधानसभा में स्थानीय विधायक की मौजूदगी में सांसद अफजाल अंसारी ने इन दो ग्रामीण सड़कों का शिलान्यास समारोह पूर्वक किया है। और इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए सांसद अफजाल अंसारी ने पूर्व में गाजीपुर के सांसद रहे मनोज सिन्हा के कार्यों को आगे करने, कार्यों को फीका बताने के सवाल पर पत्रकारों से कहा कि मनोज सिन्हा को विकास
पूर्वक पुरुष की संज्ञा पत्रकारों और कुछ अन्य स्वजातीय लोगों ने दी थी और गरीब जनता ने उनको ये उपाधि नहीं दी थी, नहीं तो वे हारते नहीं। उन्होंने मनोज सिन्हा के विकास कार्यों पर चुटकी लेते हुए बताया कि संचार मंत्रालय उनके पास था और आज भी BSNL की ही MTNL दम तोड़ रहा है और नीलामी की कगार पर है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये किसी से छिपा नहीं है कि वहीं उन्होंने ये भी कहा कि रेल मंत्रालय भी उनके पास था और इतना विकास हुआ है कि 3 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट आज 50 रुपये में बिक रहा है। उनके द्वारा शुरू की गई ट्रेनों की आजकल अपने हिसाब से ही चल रही हैं और उन्होंने मनोज सिन्हा के कार्यों की समीक्षा करते हुए बताया कि गाजीपुर में हवाई अड्डा भी उन्होंने चालू कराने की बात कही थी, जिसका क्या हाल है वो जनता देख रही है। और उनके साथ पूरे अंसारी परिवार पर हो रही कार्यवाही और 2024 लोकसभा के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मोदी जी के नाक के बाल हैं मनोज सिन्हा और 2005 में भेंट हो गई तो फिर उन्हें 2.5 लाख वोट से हराया था, 2019 में फिर भेंट हो गई तो 1.25 लाख वोटों से हराया था, जबकि उन्होंने चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाया था और उनके लोगों ने उनका पैसा खूब खाया भी और उनके लोगों ने उनसे बेईमानी की और जनता ने वोट भी नहीं दिया। अब आगे भी देखिएगा, उन्होंने मनोज सिन्हा के ऊपर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी पराजय का फैसला जनता का था और उनका खामियाजा अफजान अंसारी भोग रहे हैं। ये सरकारें मुझसे डरती हैं और इसलिए मेरे ऊपर कार्रवाई हो रही है। उन्होंने मनोज सिन्हा पर फिर टिप्पणी करते हुए कहा कि देश का मुकुट है जम्मू कश्मीर और वे मुकुट पहन भी लिए हैं, वहाँ विराजमान भी हैं और लेकिन उनका दिल मान नहीं रहा और वो बार बार गाजीपुर आ रहे हैं। और पिछले विधानसभा में 18 दिन मंदिर घूमे और अशोक चक्र के चिन्ह को भी अपमानित किए, लेकिन एक भी सीट पर बोहनी नहीं हुई। उन्होंने दावा किया कि मेरे ऊपर तहसील अधिकारियों को घेरने का मुकदमा है, लेकिन भ्रष्टाचार का कोई मुकदमा ये साबित नहीं कर पाएंगे। अफजाल अंसारी ने बताया कि हमारे ऊपर जो भी प्रशासनिक और आपराधिक कार्रवाई चल रही है उसका हिसाब 2024 में जनता करेगी। देखिए, हम 2-3 बातें कर और उस काम का हशर क्या, तो हम कल जब हमें अवसर था तो हम संचार मंत्रालय के मालिक थे, भारत संचार मंत्रालय हमारे पास था और हम अगर भारत संचार मंत्रालय के मंत्री की हैसियत से अपने 5 साल के कार्यकाल में इस संचार क्रांति के दौर में अपने सरकारी जो BSNL MTNL सरकारी इंटरनेट सेवा है, मोबाइल सेवा है, इसको इस मुकाम तक पहुंचा कि उसके बाद कोई दूसरी सीढ़ी न हो विकास की। श्रावस्ती जिले की पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। सर्विलांस सेल ने ही 68 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं और बरामद मोबाइल की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है और सभी मोबाइल फोन संबंधितों के सुदूर्प भी कर दिया गया है। गायब जो मोबाइल फोन हुए थे उसको बरामद कर लिया है पुलिस ने। बताते चले कि गायब मोबाइल बरामद करने वाली टीम को SP ने पुरस्कार भी दिया है और महीनों बाद अपने मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिल गए थे। SP ने मोबाइल स्वामियों को ही साइबर क्राइम से बचने के लिए टिप्स भी दिए हैं। तो आपको बता दें, श्रावस्ती से खबर है जहां पर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बता दें कि 68 गुमशुदा मोबाइल जो थे वो अब मिल चुके हैं और इसके साथ ही जो जिनके मोबाइल गुम हुए थे पुलिस ने उनके मोबाइल उन्हें दिए हैं। इसके साथ ही पुलिस को मिली कामयाबी के बाद SP ने उन पुलिसकर्मियों को पुरस्कार से नवाजा है। हम लोगों के पास अक्सर काफ़ी लोग आते हैं कि मेरा मोबाइल कहीं रास्ते में गिर गया है या कहीं और खो गया है, इस तरह की शिकायतें लेके लोग आते हैं। ऐसी सभी शिकायतों पर क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम काम करती है। स्वाट टीम और सर्विलांस टीम द्वारा ये ऐसे ही लोगों के 68 मोबाइल बरामद किए गए हैं जिनकी कीमत करीब 10 लाख रुपये है और ये संबंधित सभी व्यक्तियों को दिए जा रहे हैं। पुलिस ने चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता में ही सहारनपुर के SP देहात सूरज कुमार राय ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना गंगोह पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और थाना गंगोह पुलिस ने चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 शातिर चोर कादिर और पंकज कुमार को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस ने सफेद धातु के आभूषण 9000 रुपए नकद बरामद किए हैं। सहारनपुर के SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया है कि चोरी की घटना का खुलासा करने पर पुलिस टीम को 11000 रुपए नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। तो आपको बता दें, सहारनपुर से खबर है जहां पर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बताया जा रहा है कि दो शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही जानकारी सामने आई है कि पुलिस ने चोरी की घटना का सफल अनावरण किया है। देखिए, ये दिनांक 16 नवम्बर को कस्बा गंगोह में थाने पर सूचना मिली। एक वहीं के स्थानीय व्यापारी हैं, उन्होंने सूचना दी कि उनके घर में ताला टूटा हुआ है और उनका उनके कुछ जवाहरात और कुछ कैश उनके घर से गायब हैं, नहीं है। इस घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए गंगोह थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और एक टीम बनाई गई इस घटना के सफल अनावरण के लिए। और इस टीम ने बहुत ही अच्छा काम करते हुए एक हफ्ते के अंदर इस घटना का सफल अनावरण किया है। न केवल अनावरण की बल्कि लगभग 100% बरामदगी की है। आगरा नगर निगम के द्वारा लगातार शहर के अलग अलग स्थानों पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और बुधवार की सुबह से ही नगर निगम की टीम अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए निकली और भगवान टॉकीज चौराहे पर नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया और नगरायुक्त निखिल टीकाराम फुंदे के आदेश अनुसार यह अभियान चलाया गया। टीम के द्वारा भगवान टॉकीज चौराहे को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ टीम ने जुर्माना वसूलते हुए कार्रवाई की है। अभी आगरा का सबसे ज्यादा चोक पॉइंट हो गया है और उसके यहाँ पर ठेल ढकेल प्लस ये हलवाई की दुकानें हैं, मेढ़ई कचौड़ी ठेल ढकेल हैं, गाड़ियों की पार्किंग है। विद रिजल्ट कि बिल्कुल चौक हो गया है और आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। नगरायुक्त गजल भारद्वाज ने अपर नगरायुक्त SK तिवारी, सहायक अभियंता निर्माण दानिश नकवी और पशु चिकित्सा और कल्याण अधिकारी डॉक्टर संदीप मिश्रा आदि निगम अधिकारियों के साथ निर्माणधीन ABC सेंटर का निरीक्षण करते हुए शुक्रवार तक कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शहर के कुत्तों के बढ़ते आतंक को देखते हुए इसमें अब विलंब नहीं किया जा सकता और उन्होंने निर्माण कार्यों के संबंध में जय अनूप कुमार से भी जानकारी ली है। श्रावस्ती में पुलिस विभाग ने अपना झंडा दिवस मनाया है और पुलिस लाइन क्वार्टर गार्ड में ही SP अरविंद कुमार मौर्य ने पुलिस ध्वजारोहण किया है और वहीं SP ने कहा कि 23 नवंबर 1952 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने UP पुलिस और PAC को ध्वज प्रदान किया था और पुलिस ध्वज हम सभी के गौरवशाली अतीत का जीवंत प्रतीक है। और उन्होंने कहा कि ध्वजारोहण के दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ 150 पुलिस जवान मौजूद रहे। जिले के सभी थाना और चौकी पर भारी द्वारा DGP के संदेश को पढ़कर सुनाया गया। मादक पदार्थों की तस्करी करने और बेचने वाले के विरुद्ध सहारनपुर पुलिस द्वारा ऑपरेशन व्हाइट पाउडर अभियान चलाया गया। सहारनपुर के SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया है कि ऑपरेशन व्हाइट पाउडर अभियान 7 दिवसीय अभियान है जो कि मादक पदार्थों की तस्करी करने और बेचने वालों के विरुद्ध यह अभियान चलाया गया है। इस अभियान में जन सहयोग भी प्राप्त किया जाएगा, जिसके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। तो आपको बता दें, सहारनपुर से खबर है जहाँ पर खबर सामने आई है कि यहाँ पर पुलिस के द्वारा अभियान चलाया गया है और इस पुलिस अभियान में ही मादक पदार्थों की तस्करी करने और बेचने वालों के विरुद्ध सहारनपुर पुलिस द्वारा ऑपरेशन व्हाइट पाउडर अभियान चलाया जा रहा है। और सहारनपुर के SSP डॉक्टर विपिन टाडा ने बताया है कि ऑपरेशन व्हाइट पाउडर अभियान 7 दिवसीय अभियान है और इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि जो कि मादक पदार्थों की तस्करी करने और बेचने वालों के विरुद्ध ये अभियान चलाया गया है और इस अभियान से जन सहयोग भी प्राप्त किया जाएगा,
जिसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। जी, इसमें ऑपरेशन वाइट ये सहारनपुर पुलिस द्वारा चलाया गया है। ये 7 दिवसीय अभियान है जो कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले और उन्हें बेचने वालों के विरुद्ध ये चलाया गया है, और इसमें जन सहयोग भी प्राप्त किया जाएगा, जिसके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और उस नंबर पर लोग अपनी सूचनाएं दे सकते हैं। उनके मोहल्ले में, उनकी गली में, उनके आसपास के क्षेत्र में, उनकी स्कूल के आसपास, कॉलेज के आसपास यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मादक पदार्थों की बिक्री करता है, उसमें किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ हो सकते हैं, चाहे वो नशीले इंजेक्शन हो, चाहे वो स्मैक हो, कोकेन हो, या शराब भी बेचते हैं, तो भी उसकी सूचना दे सकते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।